हेलो दोस्तों वेलकम टू सिद्धि सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ट्वेंट एंड ट्वेंटी फर्स्ट जून सारे करंट अफेयर्स जोड़े पंजाब पी सी एस लंपोर्टेंट हो नैप का पेपर तो देख ही लिया है काफ़ी लैवल ज रेज आया है दैन एक्सपैक्टेड बहुत सारे बच्चे जेडे कंसर्न शो कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट यू नॉ नीड नॉट वरी अगर एग्जाम औखा है तो सब औखा है तो जी कट ऑफ जी सिगनीफिकेंटली लोअर जाएगी डोंट वरी जस्ट फोकस कि अगर तो, तो कोई मिस्टेक स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी हिस्टरी इकोनमी जोग्राफी के क्वेश्चन अगर तुसी नहीं कर पाए हो दैन दैट इज योर मिसटेक करंट अफेयर सबले ही बाउंसर टाइप एक्ट किया है तो इसलिए उसते इन्ना ज्यादा स्ट्रेस ना करो फोकस कि स्टैटिका सारा पार्ट सही होया किसैट च परफॉर्मेंस कि नाल, रही है इन्हों जो, जो गलतियां है ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਯੂ ਨੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਰਾਈਟ ਸੋ ਥਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫਾਰ एवरीवन ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਥਿਸ ਵਿਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟ ਇਟ ਮੋਰ ði ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਮੋਰ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ði ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਥਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਰਹੂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਥਿਸ ਪੇਪਰ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਾਥ ਐਂਡ that is this and this right ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੀ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.siddhipunjab.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸ ਹੋਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਮੈਸੇजेस ਔਨ ਥਿਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਯੋਰ ਕੁਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡ ਫੇਲੀਅਰਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ न्यूज़ पेपर किए पढ़ना है नोट्स किए बनाने ने आंसर राइटिंग किए करनी है ऑल ऑफ दिस विल बी टॉट इन माई मैंटरशिप प्रोग्राम राइट ए डिटेल्स थोड़ा कल तक मिल जाएगी वेबसाइट पर सारी अपलोड हो जाऊ एंड आई विल ऑलसो मेक अ वीडियो टू एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम प्लीज जॉइन इट इट वुड बी लिमिटेड सीट प्रोग्राम ताकि मैं हर बच्चे प्रॉपर अटेंशन दे सका सो डू जॉइन इट डोंट थिंक अबाउट द कॉस्ट फोकस ऑन एडिकुएट प्रिपरेशन राइट सो यू विल गेट दैट टू ठीक है जी अगे देखते दे, के दे टॉपिक्स अच काफ़ी सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आए हैं छोटे जो है डिस्कस करने ने पिंक बॉलबॉम फर्स्ट कॉटन क्रॉप क्रॉपीज ए दे बारे दे देख लवाने आपका क्या आया है यूसी सी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के परसपैक्टिव तो ये न्यूज भी आप देख लवेंगे इंडिया यूके टाइज पर अगेन न्यूज़ आई है इंडिया यूके टाइज ज काफी इंपोर्टेंट है स्पैशली क्योंकि इन पंजाब का काफ़ी डायस्पोरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਲਸੋ ਆਫ ਲੇਟ ਇੰਡੀਆ ਯੂਕੇ ਟਾਈਸ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਡੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਥਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥੈਨ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸ 1 ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪਾਰਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟਾਪਿਕ ਕਿ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐਸ ਟਾਈਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟ फॉर आई आर पार्ट जी एस टूसन आना काफ़ी लाजमी है बिकॉज यू एस एज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रैटिक पार्टनर ऑफ इंडिया इन दिस टाइम राइट चाइना जो एनिमी न ही कह सउंटर करने यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसलिए इंडिया यूएस टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये नोट्स बना के रखो हर साल क्वेश्चन एक एक्सपैक्ट डिफरेंट फॉर्म्स किया जा सकता है राइट स्पैशली हूँ पीएम मोदी की इस साल मीट हो रही है तो इट बिकम्स इवन मोर इंपोर्टेंट Right. राइट देन आईटी सेक्टर ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚ ਓਲਰੇਡੀ ਇਹਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ 2018 ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ 2020 21 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ 23 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ करंट्स का टॉपिक है दैन गोस्ट बेनीफिशरीज बहुत इंपोर्टेंट की टर्म है दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स वैन यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीमस इन डिटेल इंडिया वम रिलेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस टाइज जीपन होंगे जा रहे हैं बिकॉज साउथ चाइना सी चाइना की अग्रैशन बढ़ती जा रही है एंड दिस इज अंसर्न फॉर इंडिया एज वेल एज वतनामले भी स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं

ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲੀਮਸ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਵਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ crop ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 29 3 ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਚ ਆ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਫਾਰ ਅਸ ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਜਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਾਰ ਥੈਮ ਥਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਨ ਰਾਈਟ ਤੋ ਪਿੰਕ ਵਾਲਵਰਮ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਵਰਮ ਹੋਇਆ ਲੀਫ ਕਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਪਿਕਚਰਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਫ ਕਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲਵਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਪਿੰਕ ਬਾਲਵਰ ਠੀਕ ਹੈ 올 crop diseases स्पैसीफिकली इंपैक्टिंग कॉटन करॉप जिन्हों नरमा भी कहने पंजाबी तो यह याद रखना है प्रीलिम्स आए का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं करके आना राइट दैट इज ऑल ए फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम नैक्सट न्यूज आइटम करते हैं यूसीसी यूनीवर्सल सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਤੇ GS2 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ DPSPs ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੀਨਸ ਸਭ ਲਈ ਸੇਮ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ði ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਆਫ पॉपुलेन बिलोंगिंग टू डिट रन ठीक है लॉज अलग ने जिम्मे देखो मुस्लिमी अलाउड होंगी है इंडियन हिंदूज पोलीगैमी नहीं अलाउड होंगी राइट right? तो इस तरीके मैरिज सिविल मैटर लाइक मैरिज इनहेरीटें प्रॉपर्टी इंटेटेंस की गल कर रहे हैं या चाइल्ड दिस सिविल मैटर जेड़े है चाइल्ड अडोप्शन वगैरह इन्हते डिफरेंट डिफरेंट रिलजनस द डिफरेंट डिफरेंट लॉस एंड रेगूलेशन ने यह यूनिफॉम कि सब के रइट्स नोटैक्ट किया जाए ये जाता है यूनीवर्सल सिविल कोड च कि रिलिजन ना गाइड करे रादर मोरलिटी शुड गाइड दिविल मैटर राइट right? सो so, एक काफी डिबेट चलदी रहंदी है कि यूनिवर्सल सिविल कोड आना चाहिदा है कि नहीं क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस लोग जेडे हुंदे है वो इनु एज एन एनक्रोचमेंट ओवर देयर रिलीजियस राइट्स देखदे ने वो कहंदे ने कि ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਵਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲਸ ਲਾਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਥੀਸ ਅਫੇਅਰਸ राइट सो ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 21st ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਆਪਦੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ UCC ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਚ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਲਈ ਸੇਮ ਲਾਅ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸੇਮ ਲਾਅ ਹੈ ਸੀਪੀਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦੇ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਅਸ ਨੇ ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮੈਟਰਸ ਅਜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ इनहेरीटेंस चाइल्ड अडोप्शन वगैरह इन्हों लॉज लॉस तेगुलेशन लगते हैं वेयर अ नीड ऑफ यूसीसी इज फेल्ट सम सपोर्ट सम डू नॉट तो यही करना है यूसीसी अगेंस्ट एंड इन फेवर आर्ग्यूमेंट्स लिख के रखनिया है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आवे यू कैन राइट देयर ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन का भी व्यू तुम लिख के रखो आपके यू कैन राइट दैट ऑल्सो इन द आंसर ठीक है जी नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया यूके टाइज ठीक है देखो पिछले साल तो ही काफ़ी एफर्ट किया जा रहा है इंडिया यूके द्वारा ताकि दे कैन बूस्ट देयर इकनोमिक टाइज ठीक है जी इकनोमिक टाइज नगे वाण काफी ज्यादा एफर्ट दोनों कंट्रीज द्वारा किया जा रहा है <laughs> दोनों ही कंट्रीज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने ल आप दो ट्रेड नावा देने काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि ये अग्रीमेंट जल्द जल तो जल्द साइन हो सके राइट पहला करंट स्टेटस देख दोनों लिना इकोनॉमिक टाइस का दा। अगर करंट स्टेटस देखिए बायोलेचुर ट्रेड करंटली भी डो बिलिययन डॉलर तो उत्ते चल रहा है राइट लास्ट फिजिकल तो ये काफ़ी इनक्रीज़ होया है पहला सिर्फ सैवनटीन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर से बट हूने व्द के ट्वेंटी पो ट्वेंटी पॉइंट थ्री सिक्स बिलीयन डॉलर हो गया है इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा ने यूके टू रादर दैन इट्स इम्पोर्ट्स ठीक है जी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट कर रहा है यू कैन रीड इट ओवर हेयर राइट इंडिया जो है uh, ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂਸ ਲਾਈਕ ਪੀਸੀਐਸ ਇਨਫੋਰਸਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ెంట్ ਨੇ ठीक है तो इसीलिए इंडिया यूरोप एंड इंडिया यूके टाइस ज इकोनॉमिक टाइस काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं ईवन अगर आप देखिए यूके बहुत सारे पैसा इंडिया इनवैसट करता है इसीलिए यूके इज़ इस वन ऑफ द टॉप इनवैसटर इन टू इंडिया के लिए भी यह इंडिया काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है राइट एफ डी आई अगर तुम देखो इतों वन पॉइंट सैवन फोर बिलियन दे अराउंड एफ डी आई जी है आप यूके तो रिसीव करते रह रहे हैं ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋਵੇ ਪੋਰਟਸ ਹੋਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੋਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਚ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਰਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੇਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਯੂ ਕੇ ਸਰਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਨਾਓ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਦ ਲਾਰਜਸਟ ਹੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਯੂ ਕੇ ਰਾਈਟ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਟਰੇਡ ਹੋਵੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ बट हूँ कोशिश की जा रही है कि अगे जाके ट्रेड इन सर्विस प्रमोट किया जाए एफ टी ए सर्विसिज क्या होंगे देखो ट्रेड जो चीजा होंगे इंटरनेशनल लैवल से गुड्स ए सर्विस गुड्स मतलब सारा समान जिमें कि पेट्रोल हो गया गोल्ड हो गया बैग्स टैक्सटाइल्स हो गए कुछ भी जोड़ा भी प्रोडक्ट सोच सकते हो सर्विस मतलब प्रोडक्ट नहीं है जिम्मे कि बैंकिंग होगी बैंकिंग प्रोडक्ट नहीं बैंकिंग सर्विसेज की आप गल कर रहे हैं राइट right? इंश्योरेंस हो गया आई टी सर्विस हो गई ठीक है इस प्रोडक्ट नहीं बट आप नॉलेज या अवधि सर्विस दे रहे हैं ठीक है तो इस एरिया हम फोकस किया जा रहा है कि कोलैबोरेशन बधाई जाए इस गुड्स के एरिया ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि एना ट्रेड ए फ्लो ऑफ इन्वैस्टमेंट्स हो रहा है बट दिस इज द एरिया दैट इज वीक एंड बोहतरीज वॉन्ट टू फ्रेंडम दिस एरिया ठीक है जी तो इस ही दोनों कंट्रीज हूँ इट्ठे बैठ के इस एरिया एक अग्रीमेंट साइन करना चाहदियाँ ने यूके चाहता है कि फाइनैशियल सैक्टर यूके न काफ़ी ज़्यादा ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸ਼ੁੱਡ ਓਪਨ ਇਟਸ ਗੇਟਸ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕਿਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾ राइट सो यू कैन रीड ऑल द एरियाज स्पेशली फोर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है यूके ले ऑडिटिंग लीगल टूरिज्म इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ये सब विच वो चांदा है की रिलेशंस अच्छे हो लिबरलाइज्ड वीजा नॉम्स होन इजीली सर्विसेज सेक्टर दे लोग इधर-उधर ट्रांसफर हो सकन ठीक है सो so, दोनों दो मेन एरियाज पे डिस्कशन हो रही है गिविंग नेशनल ट्रीटमेंट टू इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रीटमेंट का क्या मतलब हूँ जो समझ लो वी आर लिविंग इन इंडिया अपने लिए अलग रूल्स रूलस हैं फॉरेन कंपनीज लिए अलग रूल्स या रेगुलेशन टैक्सेशन वगैरह अप्लाई की जाती नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब यही होंगे है कि अगर ब्रिटिश कंपनी इंडियाबलिश होम रूलस टैक्से अपलाई हो इंडियन कंपनी हो रही है राइट दिस कैन बी डन थ्रू अग्रीमेंट्स अदरवाइज फॉरन कंपनीज़ को ज़्यादा टैक्सेशन टैक्से रेगुलेशन फेस करनी पैदा राइट दैट इज़ वाई दिस दिस इज़ अंडर नैगोसीएशन ताकि ट्रेड इन सर्विस बढ़ सके तो इसलिए इस एलीमेंट पर फोस्टली काम किया जा रहा है ठीक है सैकेंड वीजा प्रोसैस या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर उन्हों जा सके दो एरियाज़ से दोनों कंट्रीज़ बैठ के अग्रीमेंट पर पहुंचना चाहिए ने राइट right? so, तो यह सारा डाटा आपके लिख के रखो इंडिया यूके इकोनॉमिक टाइम्स से जाए तो यह सारे पॉइंट्स पॉइंट उ सकते हो अबाउट ट्रेड एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स इनवैसमेंट्स ऑल ऑफ दिस यू कैन राइट अबाउट द कंपनीज दैट आर देयर अबाउट द स्टूडेंट्स दैट आर देयर इन यूके एंड नाउ द एफर्ट्स टू हैव ट्रेड इन दू है छे पॉइंट लिख स राइट नेक्स्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਲਡਿੰਗ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਡ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਸੇਵियर ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਫਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਡੈਥਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 37000 ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰੇਨ ਇਡਿਊਸਡ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਇਨ ਅਸਮ स्कूल कॉलेज हैल्थ सेंटर सारे बंद हो चुके हैं रोड्स ब्रिजिज जिन्हों पर इन्ना पैसा ला ला के आप बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर सब खराब हो चुका है राइट सो कभी भी लैंडस्लाइड का इंपैक्ट पूछा जाए यू कैन प्रजेंट दीज दीज फैक्ट सोशल ट्रोमाज आतेनोमिक लॉसिज इन द फॉर्म ऑफ स्कूल हॉस्पिटल बिजनेस बिंग कलोज फेस करने पैंते हैं इनफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हूँ डेथस एंड ऑल दैट डिस्ट्रक्शन इज विस्ट एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट होंगी है सारी फ्लडिंग हो जाएगी क्रॉप जिस्ट्रॉय हो जाएगी इस तरीके इंपैक्ट्स लिख सकते हो असम हम स्टैप्स क्या लै रहा है जरा वी एज एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑलसो टेक पहली गलता आपकी डिजासटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्हों ने डिप्लॉय कर दिता है टू स्टडी द सचुएशन एंड प्रोवाइड सोल्यूशन ठीक है वो तो बाद रिलफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड रिफ कैंप्स लगाए गए हैं ताकि जो घर वगैरह खराब हो गए हैं उन्होंने रेस्क्यू करके इत रख्या जा सके खाना शैल्टर प्रोवाइड किया जा सके राइट ये टर्म्स जद रखो थ तो केस स्टडीज प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजी सिचुएशन है तुसी क्या करोगे तट यू कैन ऑलवेज यूज दिस टर्म्स लाइक रिलफ कैंप रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इसलिए मैं इतने डिसकस कर रही हूँ राइट हूँ इतने सारे लैंडस्लाइड बेसिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगैन यू पी एससी ऑलरेडी जोग्राफी के सैक्शन जा सके चुकया है पी पी एस सी चो भी पूछा जा सकता है अगैन तो ये सारी डिटेल्स कर लो मैं इतने तो सारी डिटेल्स दे दती है आई वुड नॉट गो इन टू डिटेल्स काफ़ी टाइम लग जाएगा दिस इज दर स्टैटिक पार्ट बट मैं कंटेंट दे दता है रीड द पी डी एफ एंड यू विल गेट इट राइट दैन इंडिया यूएस टाइज अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जू एस जा रहे हैं इसलिए इंडिया यूएस टाइज ज काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं देखो इंडिया यूएस दे टाइज वैसे भी हम वाले टाइम काटेंट ने बिकॉज ऑफ वन रीजन बिंग चाइना चाइना की इंग्रेसिवनैस जी हैराउंड दर्ल्ड बहुत बढ़ती जा रही है इट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया चाइना इंडिया करना चाहता है राइट ऑलसो चाइना इमरजिंग एज अ सुपर पावर इज एज दार्जेस्ट यूनो एक मिलटरी पावर ऑफ दू दुपर पावर स्टेटसू एस ए ठीक है तो यूएसए नाइना बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि चैलेंज करता है ते, इंडिया इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इंडिया दिखाना चाहता है चाइना चाहता है कि इंडिया चाइना की सुपरमेसी निकगनाइज uh, करे रादर चा इंडिया इकुअल से रहना पसंद करता है ठीक है इसीलिए दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा है दैट इज वाई इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक टाइज इन दिस सेंचुरी राइट पुराने अगर हिस्टोरिक टाइज पढ़ो तो काफ़ी लड़ाई रही है इंडिया यूएस विच बट नाउ बिकॉज ऑफ द राइजिंग एज अग्रेसिवनैस ऑफ चाइना बोथ कंट्रीज आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर ठीक है इसलिए तुम देखो हर सैक्टर इंडिया ते यू एस ए कलैबोरेशन है सैंस के सैक्टर च हो एजुकेशन सैक्टर होल्थ डिफेंस इकनोमिक सिक्योरिटी हर सैक्टर देर इज मल्टीफेरस यूनो इंटरैक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स इतने मैं दति दीज आर जस्ट एगजैम्पल्स यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े आ मिल जाएंगे डिफरेंट सैक्टर में इकनोमी देखो India, itself, दे आर लार्जसट ट्रेड पार्टनरज इंडिया का लार्जसट ट्रेड पार्टनर इज़ यूएसए इट सैल्फ ठीक है दिस इज़ वन एग्जैम्पल ऑफ देयर स्ट्रोंोंोंोंोंोंोंोंोंोंग टाइस सैंस एंड टैक्नोलॉजी के सैक्टर से देखोंगे बहुत सारे कट्ठे इनिशिएटिवस है जिम्मे कि स्पेस के सैक्टर निसार सैटेलाइट दे हैव बिल्ट टूगैदर critically emerging technologies ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਣ ਲਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ রাইਟ ਸਟ੍ਰੈਟੈਜੀਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਓਪਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਏਜ ਐਂਡ ਏਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਚ ਆਪਾਂ ਓਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਪੈਕਟਸ डील हुई दिन पहला ही डिस्कस है इट इज एक्सपेक्टेड डिफेंस इंडस्ट्रीअल कोऑपरेशन रोडमैप जो स्ट्रोंग किया जाएगा इंपॉर्टेंट रूएस टाइज पॉइंट्स लिख के रखो नैक्सट है टारगेट टू हैव टेक्नोलॉजी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इंडियन जी डी पी बेसिकली लाइन क्या दस रही है देखो इंडिया दे, आई टी मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिखती है कि अने की जी टेक्नोलॉजी है वो साडी जी डी पीछे ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करे तो यह काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है क्योंकि ये ही शो करती है दैट इंडिया इज पुशिंग टेक्नोलॉजी सैक्टर इंडिया इज पुशिंग टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ टेक्नोलॉजी रेड ग्रोथ इन दी कंट्री का इंडिया टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगे बढ़ना चाहता है दैट इज वॉट इज सिगनीफाइड नाउ टेक्नोलॉजी कैन भी एनी काइंड ऑफ टैक्नोलॉजी कम्यूनीकेशन सैक्टर जिमें फाइव जी सिक्स जी टैक्नोलॉजी हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंट इंटेलीजेंस हो सकती है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जी कि अजक बहुत फेमस है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सैंस एंड टैक्नोलॉजी के टॉपिक्स भी है तो सब इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं सैमी कंडक्टर्स जेडे कि असी बहुत ज़्यादा ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਪਿਕਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟਸ ਔਨ 올 ðiਸ ਟਾਪਿਕਸ ਬਿਕਾਉਜ਼ ðiਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਆਲਸੋ ਇਨ ਜੀਐਸ 4 ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏਗਾ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਫ ði ਜੀਡੀਪੀ ਬਣਾਏਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕੀਪ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ ਯੂ ਅਗਰ ਐਸੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਰੇਜ਼ਸ ਕੋਟਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਐਸੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਸਕੀਏ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ मीनस नहीं ले काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि था था तो यू, है थे जा है। देखो 2021 दा इक्की पीस प्राइज का विजेता हूँ डिकलेयर हो दो हजार तेईस कौन है गीता प्रैस गोरखपुर यानी कि यूपी विच सिचुएटेड है हंड्रेड ईयर ओल्ड यह प्रेस है थ्री प्री इंडिपेंडेंस एराबलिश हुई ने क्या करोड़ ज्यादा बुक्स डिफरेंट डिफरेंट विच आज तक पब्लिश कर दिखाई है राइट ये इट ज हिंदुइजम या यू you नो know, गांधीयन आइडियाज़ को प्रमोट वाले काफ़ी सारी बुक्स से टैक्स जड़े सपोर्ट करते रहे हैं राइट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यह प्राइज है अनाउंस किया है ठीक है गांधी पीस प्राइज पर भी क्वेश्चन आ सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यू अनाउंस करती है राइट बेसिकली गांधीयन आइडियाज ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ राइट 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਲੱਖ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕraft ਦੀ ਆਈਟਮ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि न सबते क्वेश्चन आ सकता है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जी मैंने नेप्टोसिलदार विच आईने उस तरीके नाल मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन गांधी पीस प्राइस पे बन सकता है इसीलिए इंफॉर्मेशन याद रखो ठीक है ऑल पर्संस रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रीड रेस कैन बी गिवन दिस ठीक है जी मोर देन वन परसन ते इंस्टीट्यूशंस टू दिया जा सकता है शेयरिंग बेसिस पे अवार्ड ठीक है दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू लर्न दिस इज इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर प्रीलिम्स चला रही right? ,00 है, तो है, है? है, different, different है फिर भी इंडिया पॉवर्टी इन फिर भी इंडिया हंगर इन्ना है फिर भी इंडिया की व्यूमेन जी है प्रोग्रेस नहीं कर पा रही तो तो पुछ सकते क्या रीजन है right? this is one issue that is ghost beneficiaries ek keyword hai apde ko likh ke rakho ghost beneficiaries matlab jehde log zaruratmand hai unna kol ta scheme de benefit nahi ja rahe but rather nakli beneficiaries dikha dikha ke vichal middlemen ne sare paise khae hunde ne right hun dekho pm modi ne ta scheme launch karti hai as a government enu pahunchayenge ta bahut sare vich middlemen aunde ne jime ki tusi keh sakde ho administrator ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਨੇਫਿਸ਼ੀਰੀ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੈਨੇਫਿਸ਼ੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਈ ਇੱਕ ਕਪਲਾ ਇੱਕ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਗਰਲਸ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਔਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਸ਼ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਨਕਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ரைਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂ نو ਇਹ ਕਪਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ரைਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲਈ You know, inquiry start कर दी गई थ बट यू कैन यूज दिस एज एन एगजैम्पल तो, तो पूछा जाए कि government schemes दे, क्या स्कीम ने गवर्नमेंट इंडिया के सोशल क्यों नहीं हो पाते right? ties as इंडिया told you the Chinese aggressiveness in South China Sea especially jeda ki area of concern है for vietnam as well as india ede karke दोनों countries आ रही हैं इंडिया वियतनाम डिफरेंट वेसोट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट मिसाइल शिप्स वगैरह वगैरा दस किरपान ठीक है किरपान नाम की आप छोटी शिप जीडी हैिप जी हैतनाम रिसेंटली गिफ्ट की हैइट यू रे हैव टू रिम्बर इट फॉर प्रीलियम मीनस अगर इंडिया वेतनाम या इंडियाज रोल इन साउथ चाइना सी आता है उस चुकी एन एग्जैंपल यूज कर सकते हो राइट अदरवाइज प्रीलियम्स पूछा जा सकता है इंडिया ने वान नाम की वॉरशिप केंट्री दिखती है या इंडिया ने वियतनाम केड़ी वॉरशिप रिसेंटली गिफ्ट है इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो कीप दिस इन राइटिंग विद यू दैन लास्ट न्यूज आइटम डिस्पाइट टेंशन इंडिया यूएस चाइना ज्वाइंट ड्रिल इन मंगोलिया तो देखो ये ये वैसे तो कोई दोस्त नहीं है कि जॉइंट बैठ के कोई कोऑपरेशन एक्टिविटी कर बट रीसेंटली ये देखा गया है कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया क्वैसट मैंगोली तो ज़्यादा कंट्रीज़ ने की है विच इनकलूड्स इंडिया यू एस चाइना ऑलसो राइट सो तो यह नाम याद रखो ये कितने हुई है याद रखो इंडिया यू एस चाइना एंड सम अदर कम कंट्र इंपोर्टेंट कंट्र लाइक जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया पार्ट ने राइट right? इन चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं प्रीलिम्स लिये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह मेनज़ ज़्यादा नहीं है प्रीलिम्स एक लोर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैप मैप तो सी करना है मंगोलिया दिस इज लाइंग एट हेड ऑफ चाइना ये याद रखना है गोभी डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जोड़ा कि चाइना मंगोलिया दोनों एरियाज स्प्रैड होंगे है यू विल रीड अबाउट गोभी डेजर्ट राइट ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਸੀ ਲਿਓਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਇਟਸ ਡੇਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਜ਼ਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੇਜ਼ਰਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਚ ਚਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਥੈਟ ਆ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਫਾਰ ਅ ਡੇਜ਼ਰਟ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਐਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤੋਂ デザਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ 올 ਆਫ दिस यू कैन गेट इन जीसी ਲਿਓਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੁੱਕ ਐਨਸੀਆਰਟੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਇਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂ نو ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਹੈ कोई भी वॉटर बॉडी अराउंड नहीं दिखेगी इधरों इट इज़ कवर्ड बाय चाइना कंपलीटली एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ कवर्ड बाय रशिया यही दो कंट्रीज ये सीमित है नो अदर कंट्री हैज़ अ बाउंड्री विद दिस ठीक है इस फैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है रिमैम्बर दैट राइट इंडिया रशिया तो चाइना है गोभी डेजर्ट ए है ऑलटाई माउंटेनज इतकेट ने इन्होंने बारे भी बार डिटेल देख लोगे रिवर्स केड़िया केड़ियाँ हैं थोड़ा ब्रीफली देख लो राइट right? सो so, ए मैप्स तो देख हीस है उस चो होर डिटेल देख लो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रीलिम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आवे या ना आवे, इनडायरेक्टली ऑलसो इट कैन बी हेल्पफुल इन आंसरिंग सर्टेन क्वेश्चन ठीक है ये तरीके ना, ले सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट ने देखो मेरी करंट दे अफेयर्स कर दी डिस्कशन मेनली ਤੁਹਾਡੇ मेंस एग्जामिनेशन ਲਈ ਬਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸ نیوز ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋਣ ਆਲਦੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸਾਈਡ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਫੇਲ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਸਟੇਜ ਇਫ ਥੀਸ ਟੂ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਰਾਈਟ ਥਿਸ ਵੋਂਟ ਪਲੇ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਅ ਰੋਲ ਇਫ ਥੀਸ ਟੂ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਛੱਡਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਕਰੋ ਮੋਸਟਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਕਲਪਰੇਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਨਨੋਨ ਟੂ एवरीवन ਆਲਮੋਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਫॉर ਯੂ ਰਾਈਟ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਟੁਡੇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੁਐਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਸਟ ਮੈਸੇਜ ਅਸ ਐਟ ਥਿਸ ਨੰਬਰ ਡੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਆਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫॉर 올 ਦ ਡਿਟੇਲਡ ਕੋਰਸਸ ਥੈਟ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਥੇਅਰ 8837604500 ਜਸਟ ਵਟਸਐਪ ਐਟ ਥਿਸ ਨੰਬਰ With any query that you have related to your civil services preparation, we are here to help you. Thank you so much for watching.